रतन लाल जी, मैं थोड़ा इंट्रिग्ड हूं जो जो विजय जी ने जो बात कही, तो इसका मतलब ये कि मनमोहन सिंह की सरकार वो भी कम्युनल सरकार थी? नहीं, या जो अखिलेश यादव की सरकार थी वो भी कम्युनल सरकार थी? नहीं, क्योंकि एक जो जो बात उन्होंने कही है कि भाई अगर हिंदू वोटर की बात करना, अगर कम्युनलिज्म है तो मुस्लिम वोटर की बात करना भी कम्युनलिज्म है, तो मनमोहन सिंह की सरकार भी कम्युनल सरकार थी, उसके पहले जो नरसिम्हा राव की सरकार थी वो भी कम्युनल सरकार थी, उसके पहले जो इंदिरा गांधी की सरकार थी वो भी कम्युनल सरकार, सांप्रदायिक सरकार थी, वो नफरत की बात करते थे। आप इस स्थिति से सहमत है या नहीं सहमत है? क्योंकि देखिए, मैं इंटरवेंशन करूंगा इसमें, क्या आप एक स्टेटमेंट बता सकते हैं मनमोहन सिंह का, जो उन्होंने संविधान के एक बता सकते हैं आप? नहीं, उन्होंने ये कहा था, उन्होंने पहला अधिकार होना चाहिए, उन्होंने कहा था कि भारत के जो रिसोर्सेज है उस पर मुसलमानों का पहला अधिकार होना चाहिए, कम्युनल स्टेटमेंट पहला अधिकार होना चाहिए, मुसलमानों का पहला अधिकार है, ये कम्युनल स्टेटमेंट है या नहीं है ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये कहा था उन्होंने। चलिए, बहरहाल जो मैं सवाल कर रहा हूँ, मेरा सवाल अभी भी कैराना पे अटका हुआ है, और कैराना में जो भाषणबाजी हुई है अगर वो कम्युनलिज्म नहीं है, और अगर सिर्फ इसलिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी मुसलमानों के वोट की बात करती है, तो फिर मेरा सवाल है कि मनमोहन सिंह की सरकार कम्युनल थी या कम्युनल नहीं थी? मेरा सवाल बहुत सिंपल सा है। देखिए, ये तो कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछते तो ज्यादा बेहतर होता। नहीं, मैं तो एक सिद्धांतकार से बात पूछ रहा हूँ, मैं तो प्रोफेसर से बात कर रहा हूँ, हमारा आपका काम है। आ रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले फंडामेंटल बात जो मेरी समझ में आता है कि अमूमन भारतीय जनता पार्टी वैसी सरकार, वैसी पार्टी, वैसी विचारधारा में विश्वास करती है जिसकी आस्था संविधान में मोरलेस नहीं है। क्लियर कट एजेंडा है, आरएसएस हिंदू महासभा जो करती है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसीलिए कहती कुछ और है, करती कुछ और है। नंबर एक, आप संप्रदायवाद और संप्रदायवाद में अगर अंतर नहीं समझेंगे, अल्पसंख्यकवाद और बहुसंख्यकवाद अंतर नहीं समझेंगे, तो सारा कंफ्यूजन घालमेल हो जाएगा। जाति जाति अगर अलग है तो जातिवाद और जातिवाद भी अलग है। एक बात बताइए, भारत में कितने मुसलमानों ने या कांग्रेस के नेताओं ने या सपा के नेताओं ने या लेफ्ट के नेताओं ने कहा कि हम यूरेशिया भेज देंगे, किस कहा कि हम नल पे पानी नहीं पीने देंगे, घोड़ी पे नहीं बैठने देंगे, किसने कहा? यहाँ पे जो सीएम है सबसे बड़े प्रदेश का, उनका भाषण उठाकर देखिए कि कब्र से निकाल लेंगे और पाकिस्तान भेज देंगे, तो ये किसी मुसलमान ने कहा कि तुम्हें यूरेशिया भेज देंगे? तो ये समझ, अल्पसंख्यकवाद का जो पूरा वर्चस्व होता है वो अपने टर्म्स पे अल्पसंख्यक को रखना चाहता है, लेकिन वो सेकंड ग्रेड सिटीजन बना के रखना चाहता है। उसी तरीके से अगर ठाकुर ठाकुर बात करता है और ब्राह्मण ब्राह्मण बात करता है और दलित दलित बात करता है, तो दोनों को अगर एक मान लेंगे तो हिस्टोरिकल ब्लंडर करेंगे। इसलिए करेंगे कि जो ब्राह्मण ठाकुर ठाकुरवाद और ब्राह्मणवाद करता है तो उन्हें परंपरागत अधिकारों को बनाए रखने के लिए करता है, जिसका संविधान से लेना देना नहीं है। दूसरा, अगर दलित लोग इकट्ठा होता है, पिछड़ा इकट्ठा होता है, कहता है कि पानी पे हमको पीने का अधिकार है, हमको चावदार तालाब में जाने का अधिकार है, घोड़ी पे बैठने का अधिकार है, ब्लॉक में धरना देता है, पार्लियामेंट को घेरता है, तो वो वही हुआ कि जो ठाकुरवाद हुआ? इसको कैसे समझे? डॉक्टर अंबेडकर को मैं कोट करना चाहता हूँ हिंदू और मुसलमान के संदर्भ में, और मैंने इसलिए एक स्पेशल वीडियो बनाया था। वो कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान के बीच दंगे और खून खराबे होते हैं, लेकिन ये तभी होते हैं जब किसी अल्पसंख्यक को या अल्पसंख्यक के हितों को ठेस पहुंचाया जाता है। ये है बात, जो नफरत पे आधारित जिन लोगों ने राजनीति की है वो आज पूरी हुकूमत में सत्ता पे है, और 7 साल से आप देख नहीं रहे देश में क्या हो रहा है। यूपी में अभी बीबीसी की रिपोर्ट मैंने पढ़ी, 4 मॉब लिंचिंग का उन्होंने केस स्टडी किया है, और उसमें पुलिस की प्रशासन की क्या भागीदारी है हम लोग नहीं देख रहे। तो ये कहना कि वो कह रहे हैं, अगर प्यासा अगर पानी मांग रहा है और पूरा बिस्लेरी का बोतल लेकर बैठे हुए हैं, बोले हैं कि हम अकेले पियेंगे, चारों लोग मिलकर पियेंगे, तो ये इसमें और दलित में और अल्पसंख्यक में एक समानता हो गई? ये किस तरह के थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग है? इसमें तो पूरा सेमिनार होना चाहिए। दोनों को अगर एक कर रहे हैं, इसका मतलब पूरी आवाम को, पूरी जनता को कंफ्यूज कर रहे हैं। आखिर पूरा निजीकरण हो रहा है, उसका लाभ किसको मिल रहा है देश में? मोदी को, योगी को बताना चाहिए कि इस देश के हिंदुओं को, किन किन हिंदुओं को क्या क्या लाभ मिला है। हिंदू की राजनीति कर रहे हैं तो आइए ना, कौन हिंदू है पहले डिफाइन कर लीजिए। तो इसको थ्योरेटिकली समझना, जब तक आप इसके मूलभूत फंडामेंटल्स को नहीं समझेंगे, अगर हम और आप चलते हैं नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं, रतन लाल जी, रतन लाल, आप
तो आप एक बड़े अच्छी डर क्या होता है कभी तब एहसास होगा ना ये आपने रतनलाल जी आपको आपने बड़ी जबरदस्त बात की आपने कहा कि ये तय होना चाहिए कि हिंदू कौन है ये योगी जी मोदी जी बताएं तो जो कैराना में जो भाषण दिया या कैराना का जो मेटाफर तैयार किया जा रहा है वो किस हिंदू को अपनी तरफ लाने की बात की जा रही है क्या वो दलित हिंदू को अपनी तरफ लाने की बात की जा रही है क्या पिछड़ा हिंदू को अपने लाने की बात की जा रही है क्या अगड़ा क्या अगड़े वर्ग को लाने की बात की जा रही है या हिंदू एक कंसोलिडेटेड जो एक इमेज बनाने की जो जिसमें आरएसएस लगा हुआ उसको लाने की कोशिश की जा रही है नहीं देखिए मैसेज तो जा रहा है कि सबको लाने के पीछे लेकिन कोशिश ये है कि जो जो वहां के जो डोमिनेंट किसान है जो कि खसकते दिख रहे हैं जो जिनकी वजह से अगर आंकड़े आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के 2017 का जो चुनाव है उसमें 41% टोटल वोट मिला था पूरे उत्तर प्रदेश में और वेस्टर्न यूपी से 43-44% मिला था लोकसभा चुनाव देख लीजिए उसमें बीजेपी को पूरे यूपी में 50% मिला था और उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 52% वोट मिले थे तो वहां पे कंसोलिडेशन तो जाएगा पूरा इंप्रेशन जाएगा कि हम सब हिंदू की बात कर रहे हैं लेकिन किसान जो धरना में बैठा हुआ वो हिंदू नहीं है जो हाथरस में बलात्कार हुआ वो हिंदू नहीं है सारा आरक्षण का किस तरह के अपॉइंटमेंट हुआ 69,000 टीचर्स वाला जो मामला है वो है जितने सेक्रेटरी बन रहे हैं प्रोफेसर कैसे बन रहे हैं सबके सामने खुले हैं सब कुछ एक ही जाति के नौ दस बन रहे हैं एक ही जगह तो कौन हिंदू है ये तो इस बात से तय होगा ना कि आप सत्ता और संसाधन में किसको कितनी भागीदारी दे रहे हैं कि सिर्फ वोट लेने के लिए हिंदू है अब वोट जब मिल जाए तो बोल दे तुम दलित हो पिछड़ा हो तुम यादव हो तुम कुर्मी हो तो ये तो विपक्षी दलों के नेताओं को ये सवाल उठाने चाहिए थे ये पहले योगी जी मोदी जी बता रहे कि उनके हिंदू के पैरामीटर में तथाकथित हिंदू के पैरामीटर में कौन कौन से लोग ठीक है विजय जी और एक बात अशोक जी एक बात मैं उत्तर प्रदेश में घूमा हूँ कई जगह और आपको मैं एक बार बताऊं एक ऐसा साइलेंट वोटर है जो कि सोशल मीडिया का इम्पैक्ट दिख रहा है बहुत लोगों कि वो उसको लगता है कि जो इसको हरा देगा बीजेपी को उसी के साथ चले जाएंगे जो सेकंड जो रनर अप होगा उसके साथ जाएंगे कैसा सेगमेंट ठीक है या वैसे कितना फैक्टर करेंगे और क्या करेंगे वो पता नहीं लेकिन एक ऐसा भी सेगमेंट है बड़ी संख्या में ठीक है उसमें हम बाद में चर्चा करेंगे विजय जी आप रतन लाल जी को काउंटर करना चाहेंगे जो उन्होंने कम्युनलिज्म के सवाल पे जो उन्होंने बात कही जो आपने उठाया क्या आप भी मानते हैं मनमोहन सिंह की सरकार कम्युनल सरकार थी नहीं दो बातों में बहुत फर्क है आप बिल्कुल एक्सट्रीम पर चल रहे हैं मैं कह रहा हूँ मनमोहन सिंह की बात ही नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज जो है सब अपने अपने इंटरेस्ट से कम्युनल कार्ड जो है वो प्ले करती हैं मैं ये कह रहा हूँ कि हम उसमें से केवल एक तरफ देखते हैं दूसरी बात मैं ये साफ कर दूं कि कैराना में जो हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी के जो ज्यादातर नेता कर रहे हैं उसे मैं कम्युनल पॉलिटिक्स का हिस्सा मानता हूं मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसे गलत तरीके से ब्रीफ करें कि मैं उसे कैराना में जो हो रहा है वो कम्युनल नहीं है मैं इससे सहमत नहीं हूं समझे दो बातें बहुत अलग अलग है लेकिन हमको फैक्चुअल तरीके से चलना चाहिए मैं ये बात कह रहा हूं ये एग्जेजरेशन को आप एक्सट्रीम तक ले जाएं वो अलग मुद्दा है लेकिन जब MY कार्ड पर खेला जाएगा तब तो कम्युनल कार्ड होगा ना या मुसलमान एक साथ वोट डालें इसको भी यदि कम्युनल वोट ना कहें तो आप यह आपको तय करना मैं ऐसा सोचता हूं कि ऐसा होता है हिंदू कौन है हिंदू कौन नहीं है ये तो प्रोफेसर साहब ज्यादा बता सकते हैं क्योंकि वो अंबेडकर साहब को उन्होंने पढ़ा है मैंने उतना नहीं पढ़ा लेकिन मैं तो हिंदू उसको वो समझता हूं जो संविधान में हिंदू कोड बिल में जो हिंदू को डिफाइन किया गया है समझे तो उस सबको मैं हिंदू मानता हूं जो हिंदू कोड बिल के तहत हिंदू है संविधान को अगर मैं मानता हूं तो उसके हिसाब से तो नहीं करना उसके हिसाब से तो जैन जैन और बुद्ध भी हिंदू हो गए हाँ तो वो सब नहीं जो हिंदू कोड बिल आप संविधान को मानते कि नहीं मानते मैं तो मानता हूँ मेरे आप हाँ तो फिर इसमें क्यों सवाल कर रहे हैं कि जैन और बुद्ध हिंदू है कि नहीं है हिंदू कोड बिल जो है हिंदू कोड बिल को ये प्रोफेसर साहब ज्यादा ज्ञान से समझा सकते हैं संविधान में जो पढ़ा मैं उसको डिफाइन कर रहा हूँ कि हिंदू कोड बिल में जो हिंदू है वो हिंदू है मेरी समझ में तो और उसमें दलित भी है पिछड़ा भी है परेशानी क्या है कि भारतीय जनता पार्टी अपने जो ट्रेडिशनल ब्रांड है जिसे हम ट्रेडिशनल ब्रांड मानते हैं उससे बहुत एक्सपेंड कर चुकी है परेशानी वो है परेशानी यह है कि हम ट्रेडिशनल वोटर मान रहे थे बनिया और हिंदू को जिसके लिए मुरलीधर राव ने कहा कि वो जेब में है उसने तो उसके आगे 52% वोट अभी प्रोफेसर साहब ने बताया कि भाई 49% वोट आया था उत्तर प्रदेश में वेस्टर्न यूपी में 52% आया था तो उत्तर प्रदेश में क्या 52% सवर्ण लोग रहते हैं क्या
बनिया ब्राह्मण 52% है, नहीं है ना, वो तो 15% ही है। तो 15% के अलावा जो लोग होंगे वो भी या तो हिंदू होंगे, और हिंदू नहीं होंगे तो गैर हिंदू होंगे, तो वो ज्यादा वो हो गया कि कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो 52% वोट जिस पार्टी को मिल रहे हो उसको यदि आप बनिया ब्राह्मण की पार्टी बनाना चाहते हैं, बनाए रखना चाहते हैं, तो इसमें भी मुझे कोई आपत्ति नहीं। वो तो मुरलीधर राव बना रहे हैं, वो तो मुरलीधर राव बना रहे हैं, बहुत संक्षेप में हम लोग यही सोचते हैं इसलिए। और कम्युनल पॉलिटिक्स को मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी तो कर ही रही है, इस पर पहली बात हमने कही है, लेकिन मैं कह रहा हूँ और लोग भी उसको करते हैं, उसको उसका काउंटर वो करते हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।